खाद की कालाबाजारी रोकने तथा अमानक बीजों की बिक्री को रोकने के लिए कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर कृषि अधिकारियों द्वारा खाद बीज दुकानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इस संबंध में उप संचालक कृषि यूपी बगरी ने बताया कि सभी एसडीओ तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अपने अपने क्षेत्र की दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा राजेश खाद बीज भंडार डबौरा, जीत खाद भंडार तथा वैष्णवी बीज भंडार डबौरा का निरीक्षण किया गया। कृषि विभाग के दल ने शिव खाद बीज भंडार तथा अजय ट्रेडर्स का भी निरीक्षण किया। उप संचालक ने बताया कि ग्राम कोठी के किसानों ने किसान सेवा केंद्र कोठी द्वारा अधिक दाम पर यूरिया बेचने की शिकायत की। एसडीओ कृषि ने गुरु कृपा किसान सेवा केंद्र कोठी का निरीक्षण किया। निरीक्षण में विभिन्न अनियमितताएं पाई जाने पर दुकानदार को कारण बताओ नोटिस दिया गया। इसी तरह निरीक्षण के दौरान एग्नोरेक्स केमिकल्स द्वारा एक लाइसेंस पर दो स्थानों में खाद भंडारण की जानकारी सामने आई। एक केंद्र से बिना पीओएस मशीन के खाद का वितरण किया जा रहा था। दुकानदार की बिना लाइसेंस की दुकान बंद कराया गया तथा लाइसेंस के उल्लंघन का नोटिस देकर कार्यवाही की जा रही है। उप संचालक ने बताया कि वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी ने पटेहरा में ओमकार बीज भंडार एवं एसडीओ गनगेव ने तेज भान कुशवाहा उर्वरक भंडार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकानों में खाद की भंडारित मात्रा का सत्यापन किया गया। खाद और बीज के नमूने लेकर उसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। अमानक पाए जाने पर दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।